ओके, तो हम बात कर रहे थे कि किसी भी लैंग्वेज में कि कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ इसे यूटिलाइज की जाए। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं आइडेंटिफायर से कि हमारे पास आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को क्यों यूटिलाइज किया जाता है, आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल क्या है। तो आइए बढ़ते हैं आइडेंटिफायर्स पे कि किसी भी प्रोग्रामिंग में आइडेंटिफायर्स कॉन्सिस्ट करते हैं दो टाइप ऑफ एलिमेंट पे, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक सिस्टम डिफाइंड होता है। अच्छा, यूजर डिफाइंड वो एलिमेंट होता है जो यूजर रन टाइम पे या यूजर खुद से डिफाइन करता है, जैसे आप है। अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखना है या आपने कोई प्रोग्राम करना है या आपने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसको कहते हैं कि यूजर खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि उसने क्या बनाना है या क्या करना है या क्या चीज उसकी रिक्वायरमेंट में आती है या क्या चीज उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं आती। और अगर हम सिस्टम डिफाइंड की बात करते हैं तो सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम वो प्रोग्राम या उस तरह की प्रोग्रामिंग होती है कि सिस्टम में ऑलरेडी कुछ फंक्शंस को पहले से डिफाइन करके रख दिया जाता है कि ये प्रोग्राम ऐसे ही होगा या ये टास्क ऐसे ही होगा या ये चीज ऐसे ही परफॉर्म की जाएगी। जैसे कि आप चाय बनाते हो या आप कोई चीज कुक करते हो तो उसको ऑलरेडी तरीका अवेलेबल होता है कि चाय को आपने इस तरह बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिफाइंड प्रोग्राम हुआ। अगर आप कहते हो कि आपने क्रिकेट का मैच खेलना है या क्रिकेट जीतना है या फुटबॉल खेलना है तो वो यूजर डिफाइंड होगा, रूल्स उसके बेशक सिस्टम डिफाइंड होंगे लेकिन खेलोगे आप अपनी मर्जी से। लेकिन चाय या केक बनाते वक्त आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। हाँ, फ्लेवर्स कुछ ऐड कर सकते हो लेकिन उसका तरीका नहीं चेंज कर सकते हो। क्रिकेट खेलते वक्त आप तरीका चेंज कर सकते हो, हो सकता है आप बैट की बजाय किसी और चीज से खेल रहे हो क्रिकेट। तो फैक्ट क्या आता है कि एलिमेंट्स या यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर ने डिफाइन किए हैं, जो यूजर ने डिफाइन किए हैं, जबकि हमारे पास जो सिस्टम डिफाइंड है वो ऑलरेडी डिफाइन हुए होते हैं। फिर एन आइडेंटिफायर इज अ वर्ड यूज्ड बाय अ प्रोग्राम टू नेम एज वेरिएबल फंक्शन और लेबल। अब कहने का मतलब क्या था कि जो भी आइडेंटिफायर होता है जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कोई चीज डिफाइन करने लगते हैं तो उसको बताते हैं कि ये चीज इस तरह डिफाइन की जाएगी या ये चीज इस तरह डिफाइन होती है, ये चीज ऐसे डिफाइन होती है। इट मींस कि उसका लेबल आइडेंटिफाई किया जाता है, लेबल के साथ साथ उसका कीवर्ड भी आ सकता है, लेबल के साथ साथ उसका कीवर्ड भी आ सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब कीवर्ड भी आ सकता है उसपे, लेबल भी आ सकता है। अब आइडेंटिफायर कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, आइडेंटिफायर कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, मतलब आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तरीके से उसको डिफाइन किया जा सकता है, कोई भी ऑर्डर आ सकता है, कोई भी करेक्टर आ सकता है। आइडेंटिफायर कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स इफ एनी ऑर्डर, मतलब किसी भी ऑर्डर में एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला लेटर लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो लेटर पहला अल्फाबेट में से होना चाहिए, वो लेटर पहला अल्फाबेट में से होना चाहिए, वो कोई नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि वो कोई नंबर नहीं हो सकता, ना किसी तरह का नंबर उस पे लगेगा, ना किसी तरह का नंबर आ सकता है। बोथ अपर एंड लोअर केस लेटर्स कैन बी यूज्ड, स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट दोनों को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आइडेंटिफायर का हमारे पास इस तरह का फंक्शन हुआ। अब अगर आइडेंटिफायर को हम कोड में करते हैं किसी भी लैंग्वेज के, तो हम पाइथन के लेट्स सी कोड में करते हैं,
मैं आइडल पाइथन का जो कंपाइलर है उसको ओपन करता हूँ, आइडल पाइथन का जो कंपाइलर है उसको ओपन करता हूँ। नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहां पे लिखता हूं पीएफटीपी। अब मैं यहां पर नेम टाइप करूंगा तो मुझे पीएफटीपी नजर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर 5 इज इक्वल्स टू लिखता हूं पीएफटीपी तो मेरे पास यहां पर एरर आएगा, जिसकी बात अभी यहां पर की गई है कि आइडेंटिफायर कंसिस्ट होगा लेटर और डिजिट का, लेकिन पहला जो हर्फ होगा वो लेटर में आएगा। अब जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं n 5 इज इक्वल्स टू पीएफटीपी तो मैं यहां पे n 5 लिखता हूं तो मुझे पीएफटीपी मिल जाएगा। तो ये रूल है, दिस इज द रूल दैट वी नीड टू मेक या दैट वी नीड टू यूज। किसी भी तरह के आइडेंटिफायर को यूज करने के लिए, किसी भी तरह के आइडेंटिफायर को यूज करने के लिए हमें इस रूल का यूज करना पड़ता है, ये रूल यूज करना पड़ता है। अब लेटर अपर केस में हो या लोअर केस में उससे फर्क नहीं पड़ता, लेटर अपर केस में हो या लोअर में उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स हाउ वी गोना मेक आइडेंटिफायर वर्क।